दोस्तों इंडिया ने पेटीएम ओडीआई एंड टी20 सीरीज़ जो कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होने वाली है उसके लिए टीम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों यह सीरीज़ 6 फरवरी से स्टार्ट होगी और 20 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 3 ओडीआई और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया गया है, वो इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, जबकि केएल राहुल सेकंड ओडीआई से अवेलेबल रहेंगे। रविंद्र जडेजा अपनी नी इंजरी की रिकवरी के फाइनल स्टेज में हैं, इसलिए वो इस ओडीआई और टी20 सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहेंगे और अक्षर पटेल को टी20 सीरीज़ में मौका दिया जाएगा। दोस्तों टी20 स्क्वाड में रोहित शर्मा जो कि कैप्टन रहेंगे, केएल राहुल वाइस कैप्टन, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर, आवेश खान और हर्षल पटेल टीम का हिस्सा रहेंगे। दोस्तों ओडीआई स्क्वाड इस प्रकार है, रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेटकीपर, डी चहर, शार्दुल ठाकुर, यजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान। दोस्तों ये जानकारी BCCI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। देखने वाली बात ये रहेगी कि इन खिलाड़ियों में से प्लेइंग 11 में किसको खेलने का मौका मिलता है और किसको नहीं। दोस्तों रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ खेली गई सीरीज में इंडिया को निराशा ही हाथ लगी है। आशा यही करते हैं कि आगे आने वाली सीरीज में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे और दोनों ही सीरीज में जीत हासिल करे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।